हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे ना आप सभी? मुझे लगता है, मैं आशा करूँ आप सभी मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज की डेट में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यही बेस है, यही क्या है पूरे, यही आपका पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस है। इसका आपका 10th में, 11th में, 12th में हर जगह यूज़ होगा। अगर आपने इसको पढ़ लिया, ठीक है, बेसिक नॉलेज आपने ले लिया, तो बाकी आगे आने वाले क्लासेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोश के साथ, जुनून के साथ, है ना? समझ आ रहा है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो किससे संबंधित है, कार्डेशियन प्लेन से संबंधित है। किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया था, किसने डेवलप किया था, तो उनका नाम है रेनी डेस्कार्टेस, द फ्रेंच मैथमेटिशियन। कौन थे? रेनी डेस्कार्टेस थे, ठीक है। डेस्कार्टेस कौन है ये? अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। कौन है ये? फ्रेंच मैथमेटिशियन है ये, बराबर। ये कौन है? फ्रेंच मैथमेटिशियन, जिन्होंने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डेवलपमेंट किया था। होता क्या है, देखिए पहले जो बेसिक चीज है, होता यह कि दो लाइन होती है। क्या होती है? दो लाइन होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एक क्या होता है वर्टिकल लाइन। ये खड़ी वाली लाइन क्या है? वर्टिकल लाइन है। समझ में आ रहा है? बोलिए, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं भाई? एक्स एक्सिस। इस वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग? वाई एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है तो ये इसका वाई पार्ट है और ये इसका वाई डैश पार्ट है। ये एक्स एक्सिस है तो इसका ये एक्स पार्ट है, इसका ये एक्स डैश पार्ट है। क्लियर है? इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डेशियन प्लेन। जहाँ पे ये बनाया गया है, जहाँ पे आप ग्राफ का निर्माण करते हो, ये पूरा क्या कहलाता है? जहाँ तक आपने लिखा हुआ, ये पूरा क्या कहलाता है? कार्डेशियन प्लेन। ऐसा प्लेन जहाँ पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को शो करते हो और किसी भी दिए गए पॉइंट्स को लोकेट करते हो। लोकेट यानी उसको बनाना, तो वो हमारा क्या होता है? कार्डेशियन प्लेन। तो रेनी डेस्कार्टेस ने इसी कार्डेशियन प्लेन का इस्तेमाल किया था, उसका डिस्कवरी किया था, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा ना? जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा होता है ओ, दैट मीन्स ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन। क्लियर है? वो हमारे क्या होता है? ओरिजिन। ओके, कुछ पार्ट्स हैं इसके। ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है भाई? दूसरा क्या होता है? ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट। ये पार्ट क्या है आपका? सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट। ये वाला होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और ये वाला क्या होता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, बराबर है ना? बोलिए, अब इधर सारे प्लस प्लस वाले होते हैं, यानी प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव, इस तरह के होते हैं। इधर क्या होता है? माइनस वाला, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरह से चलता जाता है। ऊपर भी क्या होता है? वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर। नीचे भी क्या होता है? माइनस, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, ऐसे चलता जाता है, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे 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 क्या होते हैं? प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा होता है माइनस प्लस। ये जो पहला है वो एक्स का है, दूसरा क्या है? वाई का है, बराबर है। तीसरे में क्या होता है? माइनस माइनस। और चौथे में क्या होता है? प्लस माइनस, ऐसा। यानी जो भी पॉइंट होगा वो इस फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? इसी फॉर्म का होने वाला है। क्लियर है? सभी चीज़ों को याद रखना है, बराबर है। प्लस प्लस फर्स्ट में, माइनस प्लस सेकंड में, माइनस माइनस
थर्ड में, प्लस माइनस फोर्थ में। ये वाला एक्स का है, ये वाला वाई का है, हमेशा पहला वाला हमेशा एक्स, बाद वाला हमेशा वाई। क्लियर है इतना? ओके, तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, ये पूरा डिटेल्स था किसका, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो कि स्टार्टिंग है अभी नाइन्थ में। ये समझ में आया? ओके, अब जैसे कोई पॉइंट आ गया आपको, पहले पॉइंट के बारे में समझ लीजिए। अगर कोई आपके पास पॉइंट है, सपोज आपके पास पॉइंट है, सपोज यू हैव अ पॉइंट, मान लिया आपके पास क्या है, पॉइंट है, यू हैव अ पॉइंट, सपोज यू हैव अ पॉइंट 2, 3। तो यहाँ पे 2 क्या है हमारा, यहाँ पे 2 हमारा है एक्स कोऑर्डिनेट, क्या है, एक्स पार्ट है, दैट मीन्स उसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। ये जो वाई वाला है, ये दूसरा वाला जो पार्ट है वो वाई एक्सिस का पार्ट है, दैट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट है, वो क्या है, वाई कोऑर्डिनेट उसको कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट, बराबर है, समझ में आ रहा है। ओके, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो पहला क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स एब्सिसा। 2 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स एब्सिसा। 3 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स ऑर्डिनेट। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, लोकेट करेंगे कुछ पॉइंट्स को। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को हम लोग लोकेट करते हैं, तो फिर तब उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स आपने लिख लिया, जहाँ पे करता है वो ओरिजिन होता है, ओ होता है, उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0, ऐसा सारा डिटेल्स हो गया ना। बोलिए, इसको लिखना है तो आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? कैसे लिख सकते हो कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, क्या है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, क्या है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है ना, विच इज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा भाई, फाउंडेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। और मैथमेटिशियन खाली लिख दो, कोई बात नहीं चलेगा, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन शियन रेनी डिस्कार्टेस। इसमें क्या यूज होता है, कार्टेशियन प्लेन। तो क्या लिखोगे आप, इट डील्ड विथ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन इन विच हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, बराबर है, एंड वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन क्या, इज कॉल्ड वाई एक्सिस, क्या कहलाता है, वाई एक्सिस, बराबर है, इतना सही है, चलेगा। ओके, तो ये हो गया। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड, देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, ओ, बराबर है, सही है ना। डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, इट डिवाइडेड इनटू, इट मतलब क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कार्टेशियन प्लेन है वो, कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है कि नहीं, 4 पार्ट्स नहीं, क्वाड्रेंट्स, उस पार्ट्स को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पहले क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, बराबर है। फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस, इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें क्या होता है, माइनस माइनस, इसमें क्या होता है, प्लस माइनस। क्लियर है इतना? तो यही हमने पूरा बताया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप अपने नोट्स पर लिख सकते हो, आपका नोट्स का भी काम करेगा ये। खींचा आपने स्क्रीनशॉट, ले लिया, मेरे साथ भी लेना चाहो तो ले लो, सेल्फी के साथ। ओके,
कंप्लीटेड, आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास पॉइंट हो कुछ, सपोज यू हैव अ पॉइंट, सपोज यू हैव अ पॉइंट, मान लिया आपके पास क्या है, पॉइंट है। ठीक है, मान लिया कि आपके पास क्या है, पॉइंट्स है। आपके पास क्या है, पॉइंट्स। आपके पास पॉइंट्स, मान लीजिए, मान लो आपके पास पॉइंट्स है, माइनस टू फोर, थ्री माइनस वन, माइनस वन जीरो, ठीक है, वन टू, माइनस थ्री माइनस फाइव, क्लियर है। ये सारे दिए गए हैं, अब ये कहाँ लाई करेंगे, पहली बात तो ये लगेगा सेकंड में है, ये आपका फोर्थ में है, ये आपका पता नहीं, ये फर्स्ट में है, ये थर्ड में है। अब सबका पता लगाते कौन कहाँ पढ़ता है, ठीक है, सबका पता लगाते कौन कहाँ पढ़ रहा है, उसका हम हर चीज़ का पता लगाएंगे। चालू करें, हमने क्या लिया, कार्टेशियन प्लेन ले लिया, बराबर है, तो ये एक्स डैश होगा, ये वाई है, तो ये क्या होगा, वाई डैश होगा। हमने पॉइंट्स को ले लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स, बराबर है, वन टू थ्री फोर फाइव, क्लियर है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, क्लियर है। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 में से है, कहाँ से है, आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 में से है, ये जो क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी में आपको पॉइंट लेकर आपको समझा देता हूँ मैं ऐसा, ठीक है, बराबर है। तो देखिए पहला क्या, माइनस टू फोर, तो ये सेकंड में आएगा, ये एक्स पार्ट है, ये वाई पार्ट है, क्लियर है। तो एक्स पे आप माइनस टू खोजो, एक्स पर माइनस टू ये रहा, वाई पर फोर इधर तो है नहीं, इधर रे मिलेगा, तो माइनस टू और फोर, दोनों का कटान बिंदु कहाँ आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आएगा, ये, तो ये क्या हो गया, माइनस टू कॉमा फोर, ठीक है, क्या आएगा, माइनस टू कॉमा फोर, ये जो पॉइंट आया, वो पॉइंट क्या आया, माइनस टू कॉमा फोर, समझ में आया। अगला क्या, थ्री माइनस वन, एक्स पर थ्री है, वाई पर माइनस वन है, एक्स पर थ्री चाहिए, एक्स पर थ्री लेना है और वाई पर माइनस वन, वाई पर माइनस वन इधर मिलेगा, ये मिला, एक्स पर थ्री, वाई पर माइनस वन, थ्री माइनस वन, ये, ठीक है। तो ये पढ़ा कि नहीं आपका फोर्थ में, बोलिए फोर्थ में पढ़ रहा है ना, ओके, माइनस वन कॉमन जीरो, एक्स पर माइनस वन है और वाई पर तो जाना ही नहीं है, खाली एक्स पर पहुंचो बस, एक्स पर क्या है, माइनस वन, वाई पर जाना ही नहीं, पहुंच गए, खाली एक्स पर पहुंच के लिख दो आप, माइनस वन कॉमन जीरो। तो ये कहाँ आया, ओ एक्स डैश वाले पार्ट, पहली बात तो एक्स एक्सिस पर है, उसके ओ एक्स डैश वाले पार्ट पर है, दो पार्ट है ना, एक इधर का पार्ट है ओ एक्स, एक इधर का पार्ट है ओ एक्स डैश, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, तो ओ एक्स डैश पर आया, दैट मीन्स नेगेटिव पर आया, वन टू, एक्स पर वन, वाई पर टू, एक्स पर वन, वाई पर टू, माइनस थ्री माइनस फाइव, एक्स पर माइनस थ्री, वाई पर माइनस फाइव, तो यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, क्या लिखेंगे, माइनस थ्री कॉमा माइनस फाइव। तो इस तरह से पॉइंट का लोकेशन हुआ बच्चा, पार्टी, समझ आया। इस तरह आप सभी पॉइंट्स का लोकेशन कर सकते हैं, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नाइन्थ स्टैंडर्ड में बिल्कुल शून्य दिया गया है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है आपको, आपको करना, ये चीज़ आपने समझ लिया तो आप कर सकते। 3.3 तो हमने बता दिया आपको, खाली 3.2 आपको करवाना है, ठीक है, आप देखोगे तो शायद आपको आ जाएगा, फिर मैं आपको करवाऊँगा।
वीडियो बना के डालू, जरूर डालूंगा मैं इसका 3.2 का। ओके, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक। यही पूरा अगर आपने पढ़ लिया तो कोई माइकल आपको रोक नहीं सकता क्या मैथ्स को आने से, और नहीं पढ़ोगे तो बहुत लोग रोकने वाले हैं, आपको मार्क्स मिलने वाला है नहीं भाई। ठीक है, तो पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट है, मुझे मत पढ़ो, मैं तो पढ़ चुका हूँ, इसको पढ़ लो आप, समझ में आया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, चलते हैं फिर, बाय।